सुबह खाली पेट खा लो, नसों की ब्लॉकेज, कमज़ोर नसें, नसों में खिंचाव होना, नसों में गैस होना, वेरिकोज वेंस, सिर से लेके पैर तक में कहीं भी नसों की ब्लॉकेज की समस्या है, नसों से संबंधित कोई भी समस्या, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, थकावट या कमजोरी की समस्या है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, जोरों, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, 7 दिन के अंदर अंदर वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, 15 दिन के नियमित सेवन से सिर से लेके पैर तक की सभी ब्लॉक नसें खुल जाएगी और बहुत सारी बीमारियां भी आपकी साथ ही साथ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, नूतन वर्ल्ड डीएम के में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले, पूरा देश स्वस्थ रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विस्तार से। दोस्तों, यदि आपकी नसों में ब्लॉकेज की समस्या रहती है, वेरिकोज वेंस या हार्ट की समस्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है, डायबिटीज की समस्या रहती है, तो ये सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आज मैं बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। इससे आपकी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक होने के साथ साथ सिर से लेके पैर तक की सभी ब्लॉक नसें खुलना स्टार्ट हो जाएगी। इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल करना होगा। गार्लिक के फायदे की बात की जाए तो ये आपके शरीर की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, थकावट और कमजोरी को दूर करती है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचा के रखती पूरे है, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देती है यानी शरीर की सभी गंदगियों को बाहर निकालती है, खून को पतला करती है जिससे कि कभी भी आपके खून में थक्का नहीं जमता है और खून का बहाव सही से होता है, हार्ट की प्रॉब्लम ये आपको कभी नहीं आने देती है, बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखती है, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को ये ठीक करती है। इसी के कारण शरीर की सभी नसें इसके सेवन से खुलना स्टार्ट हो जाती है। लहसुन के साथ जो अब जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है हल्दी। हल्दी जिसे टर्मेरिक के नाम से जाना जाता है, तो हल्दी आपको लेनी है और हल्दी भी आपको सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच लेनी है, उससे ज़्यादा आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करनी है। यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी, यदि नहीं है तो आधा चम्मच जितना आपको यहाँ हल्दी लेनी है। और ये इसके फायदे की बात की जाए तो ये किसी भी तरह के चोट और घाव को भरने में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो शरीर के अंदर की चोट या घाव हो या शरीर के या बाहरी पोर्शन में आपको कहीं भी चोट या घाव लगी हो तुरंत ठीक करने में हेल्प करती है, हाथ और पैर के दर्द को ख़त्म करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, खून को साफ करती है, इम्प्रूव करती है आपकी पाचन को और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कैंसर से बचाव करती है, लीवर और किडनी को स्वस्थ रखती है, अर्थराइटिस और जॉइंट पेन जैसी समस्या से बचा के रखती है। तो ये छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों से आपको बचा के रखने में बहुत हेल्प करती है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस दोनों चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करने से आपकी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां, नसों से जुड़ी हुई समस्या, शरीर में कहीं भी दर्द या हड्डियों के दर्द की समस्या है, ये सभी कुछ कैसे ठीक होगी। तो ये हल्दी और लहसुन को किस तरह से सेवन करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी लेनी है और इसमें आधा चम्मच से कम यानी कि आप यहाँ पे 2 चुटकी जितना हल्दी का पाउडर ले लें, और यदि आप कच्ची हल्दी ले रहे हैं तो और भी बेस्ट है, वो उसमें आपको 1 से 1.5 इंच जितना कच्ची हल्दी को पीस कर डाल देना है। यदि कच्ची हल्दी नहीं है तो पाउडर आप आधा चम्मच से थोड़ा कम यानी 2 चुटकी आप इसमें हल्दी का पाउडर को डाल दें और इसे थोड़ा देर इसी तरह छोड़ देना है, करीब 5 मिनट, ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाए। अब आपको लहसुन लेनी है, 2 कली छोटी छोटी लहसुन के ले लें। यदि 2 कली आपको नहीं सेवन करनी है या फिर आप 1 कली भी रोज खाते हैं तो भी आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अब आइए जानते हैं कि इसे किस तरह सेवन करना है। तो ये जो हल्दी वाला पानी हमने यहाँ तैयार किया है इसमें इसके साथ आपको 1 कली आपको लहसुन की खानी, आप यदि 2 कली खा सकते हैं तो ये और भी अच्छी चीज़ है। तो आप यहाँ पर 2 कली लहसुन की हल्का छोटा छोटा टुकड़ा कर ले या फिर आप इसे हल्का सा कूच ले, कूचने से भी आप ये आसानी से पानी के साथ, ये हल्दी वाला पानी के साथ आप इसे निगल सकते हैं। तो इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं या फिर आप इसे चबा चबा के भी खा जाइए और ऊपर से आपको
ये हल्दी वाला पानी को पी लेना है। और आपको इसे किस समय पीना है ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सुबह सुबह खाली पेट पीना है, इसका सेवन करना है और बिना ब्रश किए आपको सेवन करना है इसका, तब ये ज़्यादा फायदे करेगी आपको। इसका सेवन इस गर्मी के मौसम में सप्ताह में 3 दिन कीजिए और ठंडे के मौसम में आप डेली कर सकते हैं, बेहद फ़ायदेमंद आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, 100% इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा, खून को पतला करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, हार्ट की समस्या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या से बचा के रखेगा और मोटापा को कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा और सिर से लेकर पैर तक की सभी ब्लॉकनेस से सभी तरह की नसों की ब्लॉकेज को ये खोलना शुरू करेगा, वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न की समस्या, हड्डियों की कमजोरी, पाचन क्रिया सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। छोटा सा उपाय कीजिए, बेहद फायदे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 7 दिनों के अंदर अंदर। आप इसका नियमित सेवन भी कर सकते हैं, गर्मियों में आपको सिर्फ सप्ताह में 3 दिन ही सेवन करना है और आप देखेंगे इसके जबरदस्त चमत्कारी फायदे, आपको बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, डायबिटीज तक ये कंट्रोल में रखेगी क्योंकि ये पाचन क्रिया को ही दुरुस्त करती है जिससे कि सभी बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप सबों के लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले, पूरा देश स्वस्थ रहे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।